गाइज व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी, और आज आप लोग देख रहे हो मैंने इस कलर का कुर्ते वेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसको हमने ऑनलाइन से मंगाया हुआ है, तो जिन लोगों को चाहिए आप लोगों ना लिंक कमेंट में वो कर देंगे, पिन कर देंगे। और अभी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सारा सामान, सब कुछ हमने सही से कर दिया है, और बेड भी पूरा साफ हो गया है। आज तो मेरा पूरा, अभी इतना टाइम हो गया, 1 बज गया है और अभी तक लंच नहीं बना है, क्योंकि हम काम कर रहे थे। और रंजना आंटी जी जबकि वो आलू बॉयल करके और सब कुछ करके गई थी, तो रंजना आलू का पराठा बनाई है, और उसके बाद से शायद वो रेडी वगैरह हो रही है। तो अब हमको बनाना है लंच, तो चलते हैं लंच बनाने के लिए। और चावल भी नहीं था तो चावल मंगाए हैं। तो बस कल तो हम लोगों ने लंच ही नहीं किया था, क्योंकि हम चले गए थे स्कूल पे और उधर ही से उधर अपना खा लिए थे ये मिस्टर राज, बाकी हम रोटी लेके चले गए थे घर से। तो अब चलते हैं लंच बनाने, क्योंकि मिस्टर राज का आने का भी टाइम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लंच बनाना है, इसलिए कि अभी तक लंच नहीं बना है। चलिए चलते हैं, दरवाज़ा अभी ओपन करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट नहा के आए थे इसलिए हमने बंद किया हुआ था रेडी होने के लिए। सभी देख रहे हैं आप लोग, बिच गया है और अब थोड़ा सा घर साफ दिख रहा है। अब बस एक बार और झाड़ू लगाएंगे और अब उसके बाद नहाने चलते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला सोफ़ा लगा दिया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, दो अलग अलग है, और थोड़ा सा पीछे स्पेस भी छोड़ दिया है। बाकी अब उसके बाद इतना ही मेरे से हो पाया, ये मेरा हमसे नहीं हटेगा। अब चलते हैं नहाने, इन सबको जूता भी हटाते हैं, तो कैसा लग रहा था वो बताना। अभी यहाँ पे सब सामान, इसको थोड़ा सा तो हटा दो ताकि हम अंदर जा पाए। तो अभी तक लंच बना नहीं है, अब मेरे को जल्दी से बनाना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बस पराठा बना हुआ था, बाकी कोई उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने बॉयल करके रख दिया हुआ है, और यहाँ पे आलू बॉयल किया हुआ है। बस अब चावल बनाते हैं, थोड़ा सा राज के लिए थोड़ा सा चावल बनाएंगे, और देखते हैं एक आदमी के लिए तो कभी हम खाना बनाते हैं। चलिए गाइस, बहुत सारे लोग ना पता है एक तरफ का वीडियो देख के ना वो क्या करते हैं कि लगता है कि हम काम ही नहीं करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमको बहुत कम टाइम मिलता है कि हम कैमरा पकड़ के सारी चीज़ों को दिखा पाएँ। अभी जितना काम किया है ना उससे एक्स्ट्रा काम किए हैं, लेकिन जितना हो पाया छोटू से बोले छोटू शूट करना है तो कर लो, तो वो शूट के बोला दीदी शूट कर देते हैं, अब ऐसे ऐसे काम करो ना, मुझे हंसी आ रही है। फिर हमने बोला ठीक है आई कर दो। अभी आलू को छीलते हैं और एक तरफ पहले चावल बैठाते हैं, प्याज काटेंगे, मसाला पीसेंगे, और उसके बाद लंच का तैयारी करेंगे। एक आई सभी आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो भी आएंगे और हमको काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। रंजना कहाँ है? और यार इसे गर्म चीज़ नहीं ढका जाता है, बोलो ना रंजना इससे क्यों ढक, और खराब हो जाता है। तो अभी चलते हैं पहले इसको वो करने के लिए, आलू को छील लेते हैं, तब तक तेल इसमें डाल देते हैं, गर्म होता रहे। आलू को हमने बॉयल कर दिया है, हमको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला इसका काट लो। हे गाइस, तो अभी मिस्टर राज से कॉल आया था, उन्होंने बोला कि खाना बन गया है, तो फिर हमने बोला कि नहीं खाना तो नहीं बना है, कह रहे अब इतना लेट क्यों हो गया। फिर हम बोले कि अरे हम रूम साफ कर रहे थे, अभी जस्ट हमको टाइम मिला। वो भी मेरा बाल देख सकते हैं आप लोग, गीला है, और अब तेल डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है, एक तरफ चावल बैठा दिए हैं, अभी आलू को फ्राई करेंगे, फिर सोयाबीन फ्राई करेंगे, तब तक मसाला मेथी पीस देते हैं और प्याज काट देते हैं,
उसके बाद से बना लेंगे तो फिर जाएंगे स्कूल पे लेके, क्योंकि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज बहुत ज़्यादा लेबर आए हैं वहाँ पे, तो आज काम भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं उनके लिए खाना लेके जाएंगे स्कूल पे, और फिर आज का भी मेरा दिन स्कूल स्कूल पे ही बीतेगा। फिर शाम को आते वो थकान हो जा रहा है, सुबह में ना मन नहीं करता है उठने का, इतना ज़्यादा काम किया। बहुत लोग बोले दीदी आप अपने हेल्थ का ध्यान दो, जितना हो पाता है उतना ही काम करो, लेकिन क्या करें, रूम इतना गंदा हो जाता है ना, वीडियोज में अच्छा नहीं आता है, इसीलिए सफाई करना पड़ा। तब यहाँ देख रहे हैं आलू को इतना स्पीड में छील रहे हैं हम, मेरा देह पूरा काँप रहा है। खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन बस टाइम नहीं था, अभी भी आलू बॉयल करने के लिए बिठा दिए थे। तो गाइस यहाँ दिख रहा है कि आलू को कर दिए हैं फ्राई, और यहाँ पर भी सोयाबीन को डाल देंगे, एक तरफ प्याज भी काट रहे हैं, और यहाँ पे है ये हरा मिर्चा, टमाटर हम एक ही डालेंगे सोच रहे हैं, इसको भून देंगे अभी। सोयाबीन डाल दिए, सलाद भी पहले सोयाबीन को भी थोड़ा सा फ्राई करना होता है, इसको फ्राई कर दे रहे हैं। यहाँ पे मिर्चा भी काट रहे हैं, डेली डेली दाल बनता है ना, इसलिए अच्छे से ये बनाते हैं। हो गया, अब इसमें से निकाल लेते हैं इस पार, तो इसमें आप लोग कितनी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। यहाँ आप इस पार निकाल लिए जीरा मरीच, इसमें है ना लहसुन, जीरा मरीच पीसना है, देख रहे हैं जो तुम बोलते हैं ना काम का, देख लीजिए आप। यहाँ जीरा ले लेते हैं, जीरा को भिगो कर देंगे, बाकी थोड़ा सा जीरा मेरा आँखों में कुछ पड़ गया। हल्का सा नमक छिड़क देते हैं, और मेरे हाथ बहुत जल रहा है, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। तो चावल हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें, जीरा मरीच लहसुन मिर्चा पीस दे रहे हैं, मिर्चा इसमें है, बने रही है आप लोग ब्लाउज वो हो जाएंगे। हमने मसाला तैयार कर दिया, तो इसमें के लिए प्याज कट कर दिया है, अब यहाँ पे पहले चावल बना रहे हैं, यहाँ हमने डाल दिया फोरन, और यहाँ दोनों फ्राई हो गया। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका मसाला भूज रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है,
मसाला जैसे हो जाएगा फिर आलू को कट करेंगे और उसमें डालेंगे। अब इसको ढकना था पर अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आग निकला। और अब मेरा रूम भी कितना साफ सुथरा दिख रहा है, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा विंडो भी दिख रहा है ना। वाइट एंड ब्लैक शिफ्ट सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी रूम साफ किए हैं, बाहर का साफ करना है। तो अभी बाहर का भी डाइनिंग एरिया जो है यहाँ का बहुत गंदा हो रखा है, तो पंखा चला दो, थोड़ा मक्खी हो रही है। इतने सिंपल लग रहे हैं, बाल मेरा बहुत वो हो गया, तो गर्मी ही लग रहा है। फ्रेश बने रही है आप लोग, इस डोरी को यहाँ से बिगड़ सकता है पर ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, देरी का बर्तन धोना पड़ेगा, देरी भी देखा यार। अब यहाँ पे काट देते हैं आलू को छोटा छोटा पीस। बहुत टाइम बाद बना रहे हैं आलू दम, आलू को फ्राई नहीं कर दिया था, अब इसमें थोड़ा नमक मिल जाएगा, अभी डालेंगे तो हो जाते रहेगा ये भी। तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत लग रहा है, हमको लगा हम नहीं खा पा रहे, हम तो देख रहे हैं इतना वो लग रहा है, खा नहीं हो तो सबसे अलग हमें नहीं करते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आलू और सोयाबीन। इसको डाल के अच्छे से भूनना होता है, इसको खाने के लिए ले जाएंगे। इसको थोड़ा ढक देते हैं, तो यहाँ पे इसको कर देंगे फ्राई और अच्छे से भुना जाएगा, निकालते हैं उनका। तो खाना पैक कर दिया और बाबू को भी दे दिए हैं खाना, बाबू खा के अब जल्दी चलते हैं, छोटू ना आया नहीं। तो अभी जा रहे हैं पतिदेव को खाना देने और अब जाके वहीं पे जब भी रेस्ट करना होगा थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद से आएंगे शाम को या फिर देखते हैं जब भी आना होगा। तो अभी भी अगर बोलेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत नींद आ रहा है और हमको शूट भी करना था चूड़ा का, तो देख रहे हैं क्या करना है। सभी बाबू के साथ आए थे इनको खाना लेके, पता नहीं इनको पसंद भी आएगा कि नहीं, वैसे बाबू को तो अच्छा लगा उनको खाना दे के। खोलिए बाबू जा रहे हैं, तभी इसमें ऐसे चल ही रहा है।